हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अर्शी खानम के स्वर्ण पदक जीतकर जोधपुर लौटने पर मंगलवार शाम को रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। उसने पोलैंड में आयोजित 13वीं सिलेशियन अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग में 57 किलो भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। सचिव पीएस शेखावत ने बताया कि अर्शी खानम कोच विनोद आचार्य के नियमित प्रशिक्षु है। अर्शी खानम ने इसी वर्ष जनवरी में सर्बिया में आयोजित 7वें नेशंस कप में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया था। अर्शी जोधपुर की एकमात्र मुक्केबाज है जिसने लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर मेडल प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद अर्शी खानम मंगलवार शाम को रेलवे मार्ग से जोधपुर पहुंची। यहां रेलवे स्टेशन पर उसका खेल प्रेमियों और परिजनों और परिचितों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। खेल प्रेमी उन्हें नाचते कूदते जुलूस के रूप में साथ लेकर गए। उन्हें रेलवे स्टेशन से वाहन रैली के रूप में टाउन हॉल ले जाया गया जहां उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। जिसका सहयोग मिला आपको? जी, मैं अपना मेडल अपने मम्मा पापा, अपने कोच और मेरे दादा को डेडिकेट करूंगा। इन सब की दुआएं, मेहनत, उसी का नतीजा है कि आज मुझे गोल्ड मिला है। ये नहीं होते इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जी फ्यूचर में? फ्यूचर में बस ये ओलंपिक्स तक खेलना, ओलंपिक्स में मेडल लेके आना, दादा की जवाब। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।